अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा, टुडे इज़ दी फिफ्थ लेक्चर ऑफ जनरल साइंस सब्जेक्ट। आज हम चैप्टर वन लिविंग थिंग्स के सवाल जवाब करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। और आपने ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स अपनी नीट एंड क्लीन कॉपी पे हल करने हैं। तमाम काम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मार्जिन लाइन ड्रा हो, डेट डे मेंशन हो। चले आए, अब हम सवाल जवाब करते हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव? आर लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव? व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव? आर लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव? हाउ इज ऑक्सीजन यूज बाई द बॉडी? ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न दी फूड दैट इज इनसाइड अवर बॉडीज। दिस मेक एनर्जी टू मूव एंड वर्क। सी, व्हाट हेल्प्स टू क्राई फूड? टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। वाटर हेल्प्स टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। D, what happens to the food that is taken into the body? Food burn inside the body to make energy. What is food important for the body? Because food gives energy to grow and to stay healthy. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे ही काम करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करना है, करेक्शन साइड पे लिखना है, डेट डे मेंशन करनी है, सी डब्ल्यू लिखना है। व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव? आल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव। हाउ इज ऑक्सीजन यूज्ड बाय द बॉडी? ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न द फूड दैट इज इनसाइड अवर बॉडीज। दिस मेक्स एनर्जी टू मूव एंड वर्क। सी, what helps to carry food from one part of the body to another? Water helps to carry food from one part of the body to another. What happens to the food that is taken into the body? Food burn inside the body to make energy. What is food important for the body? Because food gives energy to grow and to stay healthy. बेटा, आपका काम ख़त्म हो गया है। टुडे इज द लेक्चर इज़ फिनिश्ड। सो बेटा, आपने नीट एंड क्लीन ये चैप्टर अपनी कॉपी पे उतारना है, कोई मिस्टेक ना हो, और आपने ये चैप्टर याद भी करना है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। Thank you all.